हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के इतिहास के बारे में। वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई जवाहर भाई पटेल था और वो भारत में सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे। सरदार पटेल का जन्म गुजरात के नड़ियाद में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल की उम्र 75 साल की थी। सरदार पटेल का जन्म पाटीदार जाति में हुआ था। ये जवाहर भाई पटेल एवं लाड़बा देवी की चौथी संतान थी। सोमाबाई, नरसिंहभाई और विठ्ठलभाई उनके बड़े भाई थे। एक गुजराती माध्यम स्कूल में अपने शैक्षणिक जीवन की शुरुआत करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाद में एक अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल में स्थानांतरित कर दिया। 1891 में उन्हें जवाहर भाई से शादी की थी। 1903 से 1905 के बीच में दो बच्चे हुए थे। बड़ी बेटी का नाम मणिबेन पटेल और छोटे लड़के का नाम दयाभाई पटेल था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी एक कार्यकर्ता थी जबकि उसका छोटा बेटा भारत के संसद का सदस्य था। 1897 में वल्लभ भाई ने अपनी हाईस्कूल की परीक्षा पास की और कानून की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। वह कानून की डिग्री हासिल करने के लिए 1910 में इंग्लैंड चले गए। उन्होंने 1913 में इंस ऑफ कोर्ट से अपनी कानून की डिग्री पूरी की और गुजरात के गोधरा में कानून की पढ़ाई शुरू करने के लिए वापस भारत आ गए। अपनी कानून की दक्षता के लिए वल्लभ भाई पटेल को ब्रिटिश सरकार द्वारा कई आकर्षक पदों की पेशकश की गई थी लेकिन उन्होंने सभी को अस्वीकार कर दिया। वह ब्रिटिश सरकार और उनके कानून के कट्टर विरोधी थे इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के लिए काम नहीं करने का फैसला किया। पटेल ने अपना अभ्यास अहमदाबाद में स्थानांतरित कर दिया। वह गुजरात क्लब के सदस्य बन गए जहाँ उन्होंने महात्मा गांधी की एक आख्यान में भाग लिया। गांधी के शब्दों ने वल्लभ भाई को गहराई से प्रभावित कर लिया और उन्होंने जल्द ही करिश्मा नेता के कट्टर अनुयायी बनने के लिए गांधी के सिद्धांत को अपनाया। इस तरह महात्मा गांधी के विचार से प्रेरित होकर उन्हें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अपने अहम भूमिका निभाई और एक स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्गदर्शन किया। भारत और अन्य जगहों पर उन्होंने अक्सर हिंदी, उर्दू और फारसी में सरदार कहा जाता था जिसका अर्थ प्रमुख होता है। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। खेड़ा संघर्ष। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में हुआ। गुजरात का खेड़ा जिला उन दिनों में भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट की मांग की। जब यह स्वीकार नहीं किया तो सरदार पटेल, गांधी जी और अन्य लोगों ने किसान का नेतृत्व किया और उन्हें न करने देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस साल कर में राहत दी गई। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी। बारडोली सत्याग्रह। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसान के लगान में 30% तक की वृद्धि कर ली। पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। सरकार ने इस सत्याग्रह को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए पर अंततः विवश होकर उस किसान की मांग को मानना पड़ा। एक न्यायिक अधिकारी गुलफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण मामले की जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.3% कर दिया। इस सत्याग्रह को सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। आजादी के बाद अधिकांश सदस्य कांग्रेस समितियां पटेल के पक्ष में थी मगर गांधी जी की इच्छा का आदर करते हुए वल्लभ भाई पटेल ने प्रधानमंत्री पद से दूर रहे और प्रधानमंत्री पद के लिए नेहरू का समर्थन किया। उन्हें उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का कार्य सौंपा गया किंतु इसके बाद भी नेहरू और पटेल के संबंध तनावपूर्ण ही रहे। इसके बाद चलते कई अवसरों पर दोनों ने ही अपने पद का त्याग करने की धमकी दे दी थी। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता सभी रियासतों को भारत में मिला था। इसको उन्होंने बिना कोई खून बहाए संपादित कर दिखाया। केवल हैदराबाद स्टेट के ऑपरेशन पोलो के लिए उनको सेना भेजनी पड़ी थी। भारत के एकीकरण में महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लोक पुरुष कहा जाता था। रियासतों का एकीकरण। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देशी रियासतें थी। इनका क्षेत्रफल भारत का 40% था। सरदार पटेल ने आजादी के ठीक पूर्व ही वीपी मेनन के साथ मिलकर कई राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया था।
पटेल और मेनन ने राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें स्वतंत्रता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप तिनको छोड़कर शेष सभी रजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केवल जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद के राजाओं ने ऐसा करना नहीं सीखा। जूनागढ़ सौराष्ट्र के पास एक छोटी रियासत थी और चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी हुई थी। वह पाकिस्तान के सीमित नहीं थी। वहाँ के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। राज्य के ज्यादातर लोग हिंदू थे और भारत से जूनागढ़ को मिलाना चाहते थे। नवाब के विरुद्ध बहुत विरोध हुआ तो भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गई। नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। फरवरी 1948 में वहां जनमत संग्रह करा गया जो भारत में विलय के पक्ष में रहा। कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए और अलगाववादी ताकतों के कारण कश्मीर की समस्या दिनों दिन बढ़ती गई। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी और गृहमंत्री अमित शाह जी के प्रयास से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35 ए समाप्त हुए। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और सरदार पटेल का भारत को अखंड बनाने का सपना साकार हुआ। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। अब जम्मू कश्मीर केंद्र के अधीन रहेगा और भारत के सभी कानून वहाँ लागू होंगे। पटेल जी को कृतज्ञ राष्ट्र की यही सच्ची श्रद्धांजलि है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब मनाई जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। सरदार वल्लभ भाई ने 562 रियासतों का विलय कर भारत को एक राष्ट्र बनाया था। यही कारण है कि वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिन यानी नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय एकता दिन 2014 में मनाया गया था। बता दें कि भारत का जो नक्शा ब्रिटिश शासन में खींचा गया था उसकी 40% भूमि इन देशी रियासतों के पास थी। आज़ादी के बाद इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय या फिर स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। सरदार पटेल ने अपनी दूरदर्शिता, चतुराई और डिप्लोमेसी की बदौलत इन रियासतों को भारत में विलय करवाया था। सरदार पटेल का सम्मान। सन 1991 में मरणों उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरदार पटेल के सम्मान में अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र रखा गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसकी ऊंचाई 240 मीटर है जिसमें 58 मीटर का आधार है। मूर्ति की ऊंचाई 142 मीटर है जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग दोगुनी ऊंची है। 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जन्म जयंती के मौके पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक नए स्मारक का शिलान्यास किया। लोहे से निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा की कुल लगात भारत सरकार द्वारा लगभग 3000 करोड़ रखी गई, मगर 2989 करोड़ की कुल लागत से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनकर तैयार हुई। इस स्मारक का नाम एकता की मूर्ति रखा गया। प्रस्तावित प्रतिमा को एक छोटे द्वीप साधु बेट पर स्थापित किया गया है जो केवड़िया में सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के बीच स्थित है। 2018 में तैयार हुई इस प्रतिमा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया।